बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने लगी मटन। आप मेरे साथ आएँ, देखें जो कौन कौन सी चीज़ इसके अंदर डालनी है, किस तरह ये तैयार होता है। आज मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल चाल है? मेरी पति साहब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ मटन। ये सीला चावल 2 किलो, ये मतलब 1.5 बॉल जो चावल का, 1 बॉल मैंने चीनी का, चीनी कम ही डालते हैं। ये 1/2 किलो दूध है जिसके अंदर डालना है, ठीक है। ये नारियल है, ये किशमिश है, जैसे बहुत इलायची है। तो इधर मैंने फ्लेम ऑन करके देश का ऊपर रखा, इसके अंदर पानी मैंने डाला, ठीक है। मैं इसके अंदर डालूँगी 1/2 टेबल स्पून नमक, ये डाल दिया, ये 3-4 ये लौंग ये डाल दिया। चलिए पानी को बाहर आता है ना, फिर हम इसके अंदर चावल डालेंगे। मैंने इसको कवर करना है, कवर कर दिए। जब इसको बाहर आएगा फिर इसके अंदर चावल डालेंगे। ये देखिए पानी को बाहर आ गया, पानी को बाहर आ गया, हम इसके अंदर चावल डालेंगे। सारे चावल इसी तरह डाल देने। चलिए चावल दाल डालने के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए सारे चावल मैंने डाल दिए, साथ साथ आपने देख रहे हैं, जब चावल की एक कनी रह जाए फिर हम उसको काट देना, ठीक है। इसका ये तरीका कार है, चले मैं आपको फिर दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए चावल हो गए। इस तरह करना है, देखते हैं कि एक कनी का रह जाए, देखते फिर इसका फ्लेम बंद कर देना, उसको निकाल देना। हम इसको फ्लेम बंद करने लगे, उसकी छाननी के अंदर डाल देना, ठीक है। छाननी के अंदर डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए सारे मैंने छाने के अंदर निकाल लिए। आप दूसरी तरफ चलते हैं, फ्लेम मैंने ऑन कर दिए, ये आप इसके अंदर ऐड कर डालिए। तो इलायची मैंने पीसी है, छिलका नहीं मैंने निकाला, इसी तरह थोड़ा सा ये और गर्म हो रहा है, फिर मैं आपको बताऊँगी अभी हमने क्या करना। मिला रहमान रखें, देखिए इलायची हो गई, अब इसके अंदर दूध डाल रही हूँ। दूध मैंने डाला 1/2 किलो इसके अंदर। मलाई हो, ताज़ी मलाई हो फिर वो भी आप डाल सकते हैं, खोया भी डाल सकते हैं, साथ में इसकी चीनी भी डाल दूँगी। साथ ही इसके अंदर चाशनी भी मैंने नहीं बनानी, साथ ही मैंने इसके अंदर चावल डालना। बिस्मिल्लाह रहमान रखें, ये देखिए चावल इसी तरह डालना है। बिस्मिल्ला मैं इसलिए पढ़ती हूँ, बिस्मिल्ला से बरकत है, हर पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ा करो, हर चीज़ में बरकत होती है, अल्लाह ताला भी खुश होता है। इसी तरह मिक्स करना है, जो इसके अंदर दूध डाला वो सारा खुश होता है। चलो ये खुश होता है, फिर मैं आपको आगे आगे किस तरह करना है, मतलब तैयार हो रहे हैं, किस तरह तैयार करते हैं। देखा बहुत जल्दी तैयार होने वाला है, आपने हमारे साथ रहना, देखना जी कितना तैयार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए सारा दूध खुशक हो गया, हम इसके अंदर कलर डालूंगे और जो चीज़ें डालनी डाल के इसको ये हो रही कलर मुझे डाल रही हूँ। ये रेड वाला ये डाल दिए, ये सबत वाला ग्रीन वाला ये डाल दिए। बहुत मज़े के बहुत अजीज तैयार होंगे चावल। हम इसके अंदर नारियल डाल रही हूँ, साथ में इसके अंदर किशमिश डाल रही हूँ, इतना खूबसूरत लग रहा है। बहुत आसान रेसिपी है, ये कोई भी मुश्किल नहीं है बनाने में। नीचे मैंने इसके तवा रख दिया है, फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है, मैं रुमाल डाल दिया है, तो कवर करूँगी 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के बाद फिर मिलते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, हम इसको उतार के आपको दिखाती हूँ। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, मैं सारे मिक्स करूँगी। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं डिश आउट करूँगी। मैंने सारी देख इस तरह मिक्स की है, कलर मैं ज़रा लाइट ही डालें, ज़्यादा डार्क नहीं बनाया। देखिए माशाल्लाह, इसके धोखे देखे हैं,
देखे माशाल्लाह लुक देखिए, खुशबू इसकी इतनी अच्छी आ रही है। हम इसके ऊपर किशमिश की गार्निश करूँगी माशाल्लाह। आपको हमारी वीडियो पसंद आए आपने लाइक भी करना, शेयर भी करना, बेल आइकन भी दबाना, हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे दुआ में ज़रूर याद रखना। मैं भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करती हूँ, जिनकी औलाद नहीं अल्लाह पाक औलाद दे, जो बीमार अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।